हेलो माय डियर फ्रेंड, आज मैं जा रहा हूँ मंदिर, स्वामीनारायण का मंदिर जा रहा हूँ। इटोबिको में है वो, टोरंटो में। यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। यहाँ से मेरे को 1.5 किलोमीटर चल के एक बस पकड़नी है, बाद में एक बस चेंज करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पूरा व्लॉग, मंदिर और सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलो फिर चलते हैं। देख सकते हो पूरा स्नो है। अभी जा रहे मंदिर। ये देख सकते हो आप, पूरा आज स्नो गिरा है, तो पूरा स्नो हो गया है। अभी 2.5 किलोमीटर चलना है ऐसे, बाद में वहां से बस मिलेगी। तो आपको पूरा टूर करवाना है मंदिर का, कहां से क्या क्या बस लेते हैं सब दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हो ये तालाब पूरा स्नो से गिर गया है। अभी से सोच रहा हूँ कि हर संडे चला जाऊं मंदिर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इंडिया में तो रोज मंदिर जाते थे, यहाँ तो रोज पॉसिबल नहीं है। बट सोच रहा हूँ कि संडे कुछ भी करके हर संडे निकल जाऊं। तो चलिए जाते देखते मंदिर, दर्शन करते और आपको भी सारा दिखाता हूँ, विजिट करवाता हूँ। ये कनाडा में स्वामीनारायण का मंदिर है, आपको दिखाऊंगा। ओके गाइस, चलो तो जाते मंदिर। देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे भी कीचड़ होता है, पर ये बर्फ वाला कीचड़ है। और यहाँ पे भी ये तालाब होता है, बट तालाब पूरा बर्फ से जम जाता है। बाय, चलो भाई मोड़िए आपड़ा आटला, आ चक्कड़ू दबाई दीजिए, खुली जाए जल्दी। तो हारू आ गया ग्रोसरी करवा, हूँ जाऊँ मंदिर। टोरंटो मंदिर जवान मुझे, चलो भाई व्हाइट बत्ती खाई गई, निकलिए फटाफट। 4 नंबर बस आई रही है, बेसवानू है ना जवान। आई रही बस स्टैंड, बाद में बस स्टैंड में थोड़ी देर खड़ा रहूँगा, बस आने ही वाली है। तो खड़े रहते हैं, वेट करते हैं और बाद में जाते हैं मंदिर। हमारा 4:51 बस आवानी है, तो 4:50 पे बस आएगी, उसमें बैठ के वहाँ से आगे से 1:30 स्टॉप छोड़ के बाद में एक बस चेंज करनी है। तो अभी ये मैं बस स्टैंड में खड़ा हूँ। देख सकते हैं आप पूरा बस आती है कि उसमें बैठते हैं और बाद में जाते हैं मंदिर। चलो गाइस, thank you.
से उतरा हूँ अभी, 800 मीटर यहाँ से चलना है, बाद में पहुँचूंगा मंदिर। चलो फिर चलते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा स्नो चालू हो गया है, देखते हैं, पहले जाते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं, बाद में वो वीडियो में सारा दिखाऊंगा। ओके गाइस, किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए। अति मनोहरम सर्व सुंदरम तिलक लक्षणम चंचले क्षणम विबुधवंदितम् स्वामिनाथते वपुरिहास्तुनो नित्यदर्शनम्। से जा रहा हूँ घर वापस, अंदर फोटोग्राफ के लिए मना था, प्रोहिबिटेड था, इसलिए मैंने कोई फोटोज और वीडियोस नहीं शूट किए, सॉरी फॉर दैट। बट ये देख सकते हैं आप, पूरा बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे, स्वामीनारायण का मंदिर। इटोबिको में 50 नंबर की बस आने वाली है, 30 वाली बस एक जा रही है, कौन सी है पता नहीं। चलो जाते हैं फिर घर, अब दर्शन कर लिए, सब अटेंड कर लिया, प्रसाद ले लिया। ये गाइस, चलो फिर ऐसे ही आपको ऐसे ही व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ मिलूंगा। ओके बाय, थैंक यू। मंदिर से फाइनली पहुंच गया हूँ घर, देख सकते हो पूरा बर्फ बर्फ था। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। सांस रुकी तेरे दर्शन को ना दुनिया में मेरा लगता मन, शबरी बन के बैठा हूँ मैं श्री राम में अटका मन, बेकरार मेरे दिल को मैं कितना भी समझा लूं, राम दरस के बाद दिल छोड़ेगा ये धड़कन। काले युग का प्राणी हूं पर जीता हूं मैं त्रेता युग, करता हूं महसूस पलों को माना ना वो देखा युग, देखा युग कली का ये पापों के उपहार कई, छंद मेरा पर गाने का हर प्राणी को देगा सुख, हरी कथा का वक्ता हूँ मैं राम भजन की आदत, राम आभारी शायर मिल जो रही है दावत, हरी कथा सुना के मैं छोड़ तुम्हें कल जाऊंगा, बाद मेरे न गिरने देना हरी कथा विरासत, पाने को दीदार प्रभु के नैन बड़े ये तरसे हैं, जान सके ना कोई वेदना रातों को ये बरसे हैं, किसे पता किस मौके पे किस भूमि पे किस कोने में मेले में या वीराने में श्री हरि हमें दर्शन दे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्प